भारत में 3 दिन में 3 एयरपोर्ट की छतें गिर जाना क्या मामूली बात हो सकती है? पहले जबलपुर एयरपोर्ट, फिर टर्मिनल 1 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर राजकोट एयरपोर्ट। भाजपा सरकार में मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जिन जिन चीजों का उद्घाटन किया है वो धीरे धीरे या तो खराब होती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं, या फिर बर्बाद होती जा रही हैं। 2014 के बाद के किसी भी निर्माण के नीचे खड़े होने से पहले अपनी जान की परवाह जरूर करें। भले ही बहुत तेज बारिश हो रही हो, बारिश से बचने के लिए भी किसी भी नव निर्माण पुल, नव निर्माण छत या कोई भी ऐसा निर्माण जहां पे खड़े होके आपको थोड़ी देर के लिए बारिश से बचाव तो मिल जाएगा, लेकिन आपकी जान वो पूरी तरह से चली जा सकती है। T1 एयरपोर्ट पे जिस तरह की भयावह तस्वीरें सामने आई, मैं खुद भी दिल्ली से वाराणसी ट्रैवल कर रही थी, मेरी फ़्लाइट पहले टर्मिनल 1 से थी, वो कैंसिल हुई, मैंने सेकेंड फ़्लाइट की, फिर वो टर्मिनल 1 से हर रोज़ उड़ान भरती है लेकिन उसे चेंज करके टर्मिनल 3 पे कर दिया गया था। 1 महीने हुए हैं NDA सरकार को बने हुए हैं, 1 महीने, मात्र 1 महीना, और 1 महीने में जितने भी नव निर्माण चीज़ें हैं वो किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिल्ली T1 एयरपोर्ट रूफ कोलैप्स, जबलपुर एयरपोर्ट रूफ कोलैप्स, 4 ब्रिजेस कोलैप्स इन बिहार, 4 पुल गिर गए बिहार में, जो कि एक मामूली बात नहीं है। वो सब के सब नए निर्माण पुल थे और उनके गिरने से कई लोगों की जान को क्षति पहुंची है। अटल सेतु ब्रिज क्रैक्स, अटल सेतु मात्र कुछ महीने पहले इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने, अटल सेतु का क्या हाल हुआ? बीच में से दरारें आ गई हैं, छोटी मोटी दरारें नहीं, भीषण दरारें। नीट पेपर लीक, लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया मोदी जी ने, वो बात ही अलग है। राम मंदिर रूफ लीक्स, 6 महीने पहले राम मंदिर का इनॉग्रेशन होता है और उसका रूफ, उसकी छत टपकने लगती है बारिश में, पहली बरसात में, अभी पूरी बरसात का सीजन बाकी है। फिर उसके बाद रियासी टेररिस्ट अटैक, फिर उसके बाद कठुआ टेररिस्ट अटैक, फिर उसके बाद डोडा टेररिस्ट अटैक, फिर उसके बाद अयोध्या में फ्लड आ गया। अयोध्या भी अभी नया नया बना है, लोगों ने बोला कि पहले वहां था क्या, अब नया जो बना है जितनी सड़कें हैं उसमें भी पूरा डूबा हुआ है अयोध्या। प्रगति मैदान टनल फ्लडिंग, प्रगति मैदान कितना फेमस है और वहाँ पे भी फ्लड आया हुआ है। कर्तव्य पथ फ्लडिंग, ट्रेन डीरेलमेंट तो सबसे बड़ा इशू है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जितने भी रेल मंत्रालय हैं, अभी तक रेल मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इतना बड़ा पश्चिम बंगाल में हादसा हुआ, इतने लोगों की जाने गई, उसके बाद भी रेल मंत्री अपने पद पे बरकरार, नीट एग्जाम पेपर लीक, शिक्षा मंत्री अपने पद पे बरकरार, टेररिस्ट अटैक, लेकिन होम मिनिस्टर अपने पद पे पूरी तरह से अड़े हुए हैं, वो चेंज करने का नाम ही नहीं ले रहे। अब बात ये उठती है कि जिंदगी में लोग ये सोचते थे पहले कि रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो हमें ज़िंदगी जीने में अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद आए इतने तरीके के टैक्स जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, GST, हाउस टैक्स, पानी का टैक्स, हर तरीके के टैक्स, और उस टैक्स के पैसे से
हमें क्या मिलता है? अपनी सुरक्षा स्वयं करें, जितनी भी बारिश हो जाए किसी भी पुल के नीचे ना खड़े हुए, अपने आप को भीगने से बचाने के लिए, खासकर अगर वो 2014 के बाद बना हुआ पुल है। क्या मजाक चल रहा है हमारे देश में? ये एक ऐसी दुविधा है जिसमें पिछले 10 साल से हमारा देश फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार न खुद जी रही है, न दूसरों को जीने दे रही है। रोजगार से ऑलरेडी लोग प्रभावित हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उसके बाद कभी कहीं का छत गिर जाना, कभी कहीं का सड़क बीच में से दरार आ जाना, कभी टेररिस्ट अटैक्स हो जाना, कब निजात मिलेगी हमारे देश को इन सब चीज़ों से, पूछता है भारत। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।